नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा 10 ऐसे प्लांट के बारे में जिसे आप सीड से ग्रो कर सकते हो। हालांकि ये सब प्लांट्स कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन सीड से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये सब प्लांट। तो इन सब प्लांट के बारे में मैं आज शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे जो प्लांट है वो है एक्सोरा के प्लांट। वैरायटीज कलर्स पे मिलते हैं ये, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन सीड से भी ये ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सीड्स बनना शुरू हो चुका है। फ्लावरिंग खिलने के बाद सीड्स बनते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सीड्स है। तो ये सीड्स पकने के बाद आप अगर इसको सीड सैंड के अंदर या फिर सॉइल पे लगाते हो तो इसी सीड से नए नए से प्लांट्स बन सकते हैं। समर सीजन में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, पेस्ट फ्री प्लांट है, और आप इसको छोटे से छोटे पॉट के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। तो ये है पहला प्लांट जो सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है सनफ्लावर, जो सीड से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे गार्डन में अभी भी सनफ्लावर फ्लावरिंग कर रहा है। इसके फ्लावरिंग के सीजन है, मार्च से शुरू हो जाता है फ्लावरिंग और अप टू अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग कर सकता है। लेकिन बारिश के मौसम में प्लांट्स बहुत सारे खराब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मेरे गार्डन में ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो सनफ्लावर भी बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो हो जाते हैं। थोड़ी बहुत मिलीबग का अटैक होता है इसके ऊपर, लेकिन ऐसे ये बहुत ही लो कॉस्ट और लो केयरिंग प्लांट है। तो इसे भी आप फुल सनलाइट पे रूफटॉप के ऊपर छोटे से छोटे पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्लांट है जो सीड से ग्रो हो जाते हैं वो है सदाबहार। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और अगर एक बार आपके गार्डन पे आ जाए तो अपने आप ही सीड से बहुत सारे प्लांट्स बन जाता है। नेक्स्ट ईयर से आपको इसको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको एक बार लाके लगा लो। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। हाइब्रिड और देसी वेराइटीज पे मिलते हैं ये। हाइब्रिड पे बहुत सारे कलर्स पे आते हैं, तो आप इसको छोटे से छोटे पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आपको इसे फुल सनलाइट पे रखना पड़ेगा और हर दिन वाटरिंग करना पड़ेगा। छोटे से छोटे पॉट के अंदर ये भी ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए आप इसे बैल्कोनी पर भी ग्रो कर सकते हो। चार नंबर पर जो प्लांट है जो सीड से ग्रो हो जाते हैं बहुत ही आसानी से, वो है सेवनी प्लांट। ये भी सीड से ग्रो हो सकते हैं। आप इसकी सीड्स लेकर सिर्फ सैंड या फिर सॉइल के अंदर लगा दो तो एक महीने के अंदर इसके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और नए से प्लांट बन जाता है। पेस्ट फ्री प्लांट है, समर सीजन में फ्लावरिंग करता है। फरवरी के एंड में आप इसकी प्रून कर सकते हो, और मार्च से इसके फ्लावरिंग शुरू होकर अप टू अक्टूबर तक फ्लावरिंग हो सकता है। इसे भी आप छोटे से छोटे मतलब 10 से 12 इंच पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हो। पांचवे नंबर पर जो प्लांट है वो है ओलियंडर के प्लांट। मेरे पास व्हाइट वेराइटी के ओलियंडर है और रेड वेराइटी की भी ओलियंडर के प्लांट है। बहुत लंबा हो जाता है ये प्लांट, इसे भी आप सीड से ग्रो कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे फ्लावरिंग हो रहा है, और यहीं पर देखिए सीड्स भी आ गया है मेरे प्लांट पे। तो ये सीड्स पकने के बाद आप अगर इसको सैंड या सॉइल के अंदर लगा दो तो इसी से नए नए ऐसे प्लांट्स आपके बन सकते हैं। हालांकि कटिंग से भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन सीड से भी आप इसे ग्रो कर सकते हो। पेस्ट फ्री प्लांट है, ज्यादा पेस्ट का अटैक होता नहीं है, और बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है। वाटरिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ता है इस प्लांट को। समर सीजन में फ्लावरिंग करने वाला बेहद खूबसूरत एक प्लांट है। नंबर सिक्स जो प्लांट सीड से ग्रो हो जाते हैं वो है अपराजिता के प्लांट। अपराजिता के मेरे पास दो वेराइटी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके व्हाइट वेराइटी भी है मेरे पास। छोटे से छोटे पॉट के अंदर ये ग्रो होते हैं। एक वाइन टाइप प्लांट है, बहुत ही आसानी से सीड से भी ग्रो हो सकते हैं। आप एक बार इसके एक प्लांट लाकर लगा लो अपने गार्डन पे तो नेक्स्ट ईयर से सीड से ये बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं। ये छोटे से छोटे पॉट के अंदर ग्रो हो जाते हैं, आप इसे बैल्कनीज पर भी ग्रो कर सकते हो। समर सीजन में ये भी फ्लावरिंग करता है। फुल सनलाइट पे इसको रखा कीजिए और थोड़ी सी सपोर्ट दे दीजिए तो इस प्लांट पे बहुत सारे फ्लावरिंग मिलता है समर सीजन के दौरान।
सातवें नंबर पर जो प्लांट है वो है साइप्रस वाइन। ये भी सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैं एक बार 2 साल पहले एक प्लांट लाया था, उसके बाद से मुझे इस प्लांट को मेरे गार्डन में ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ी है, अपने आप ही हर साल ये ग्रो हो जाते हैं। अभी इस साल मेरे पास 15 से 20 प्लांट हो गए हैं, तो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है ये सीड से, और बेहद खूबसूरत कलर्स है इसका। फ्लावरिंग होते हैं ढेर सारा एक साथ, लेकिन फ्लावर के साइज थोड़ा छोटे होते हैं। इसके जो लीव्स है मतलब पत्ते भी इसके बेहद खूबसूरत होते हैं देखने में, और ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं पड़ता है इस प्लांट को, और ना कि इसे वाटरिंग की जरूरत पड़ता है। आप बस इसको फुल सनलाइट पे रखा कीजिए तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। छोटे पॉट के अंदर ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए आप इसे बैल्कोनी पर भी ग्रो कर सकते हो, या फिर आप इसे हैंगिंग पॉट के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। आठवें नंबर पर जो प्लांट है जो सीड से ग्रो हो जाते हैं वो है कंचन प्लांट। व्हाइट कलर के वैरायटीज में फ्लावरिंग करते हैं, और भी बहुत सारे कलर्स में ये आते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल व्हाइट वैरायटी की भी ही प्लांट है। मेरे पास 2 प्लांट है व्हाइट वैरायटी के। ये बहुत ही आसानी से और पेस्ट फ्री प्लांट है। रूफटॉप के ऊपर इसको आप ग्रो कर सकते हो, हालांकि इसको थोड़ी सी बड़े पॉट के लगाने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि प्लांट बहुत जल्दी बहुत लंबा हो जाता है। सीड से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे यहाँ पर बहुत सारे सीड्स लगे हैं मेरे इस प्लांट पे। तो इसी जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पक भी चुका है, तो इसी सीड से बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं। एक बार आप इसके एक प्लांट लगा दो तो नेक्स्ट ईयर से सीड से बहुत सारे प्लांट्स आपके बन सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मेरे कोलके प्लांट। ये भी सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अक्टूबर के महीने में इसके सीड्स बनते हैं, उसी सीड से बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। बहुत सारे कलर्स के वैरायटीज पे आते हैं ये। मेरे पास फिलहाल व्हाइट वैरायटी के प्लांट है, तो ये प्लांट भी आसानी से सीड से ग्रो हो जाते हैं। फुल सनलाइट पे रखा कीजिए प्लांट को, और हर दिन इसको वाटरिंग किया कीजिए। ज्यादा खाद देने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, छोटे से छोटे पॉट के अंदर ग्रो हो जाते हैं। तो मेरे इस लिस्ट पे सबसे लास्ट पे जो प्लांट है ये है हरसिंगार के प्लांट, मतलब नाइट जैस्मिन। ये भी सीड से ग्रो हो जाते हैं, बारिश से पहले इसके सीडलिंग्स इसके सीड्स बनते हैं, और सीड से ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप सीड से ग्रो कर सकते हो, हालांकि ये प्लांट समर सीजन में फ्लावरिंग नहीं करता है। इसके फ्लावरिंग के सीजन अक्टूबर में चालू होता है, और अप टू अप्रैल तक ये फ्लावरिंग कर सकता है। कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हो, छोटे छोटे पॉट के अंदर इसको अगर आप लगाओ तो भी ये प्लांट फ्लावरिंग कर सकता है। जैसे कि मेरे प्लांट 10 इंच पॉट के अंदर लगा हुआ है, और पहले साल में ही ये फ्लावरिंग किया है, और मेरे ये प्लांट सीड से ही ग्रो किया हुआ है। तो दोस्तों ये तो था टोटल 10 प्लांट जो सीड से बेहद आसानी से ग्रो हो जाते हैं, पर ये सभी फ्लावरिंग प्लांट है। इन सब प्लांट को आप छोटे से छोटे मतलब 10 से 12 इंच पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हो आपके छत के ऊपर, या फिर आप बैल्कोनी पे भी ग्रो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।